दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे चैनल के न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिले। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो गाइस आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है GTA 5 लवर्स के लिए, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने GTA 5 में बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क जो है आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क में जो है आप काफ़ी तगड़ा जो है अपने कार्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि आप लॉस सेंटोस कस्टम में भी नहीं कर सकते। बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क में जो है आपको सभी जो है अनलॉक्ड मिल जाते हैं, आर्मर से लेके सभी थिंग्स। तो गाइज आज की इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ वीडियो के नीचे जाकर उस लाल कलर के बटन को दबाइए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप की तरफ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क। तो गाइस ये जो है हमें डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस यही है हमारा बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क, यहाँ पर एक से एक तगड़ी कार जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस सेकंड फाइल जो हमें डाउनलोड करनी है वो है स्क्रिप्ट हुक वी, थर्ड फाइल जो हमें डाउनलोड करनी है वो है स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट। और गाइस अगर आपने जो है स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट पहले कभी किसी और मॉड्स के इंस्टॉलेशन में अगर आपने जो है इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड किया है तो आपको जो है वापस इन दोनों को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपने पहले भी ऐसा इन दोनों फाइल्स को अगर डाउनलोड किया है तो। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारी फोर्थ स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है नेटिव यूआई लाइब्रेरी, तो आपको जो है ये भी डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस इन सभी की जो है, इन चारों की जो है लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन चारों को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे, मतलब जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा, आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर जैसा ही न्यू टैब ओपन हो जाए तो इसे बंद कर देना है और वापस यहाँ पर क्लिक कर देना है, न्यू टैब ओपन होने ही नहीं देना है गाइज। और न्यू टैब मतलब गाइज ऐड, हमें ऐड स्किप कर देनी है। तो यहाँ पर हम लोग आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक हियर टू कंटिन्यू कर देते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं न्यू ऐड जो है यानी कि पॉपअप विंडोज जो होते हैं वो नहीं आ रही अब तक। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जनरेटिंग लिंक पे, यानी कि मतलब हमारी जो लिंक है वो जनरेटेड हो चुकी है और अब जो है हमें खाली 5 सेकंड्स और वेट करना है और हमारी जो लिंक है वो आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी लिंक जो है आ चुकी है, गेट लिंक पे हमें क्लिक करना है और आप लोग देख ही सकते हैं ऐड आ गई। तो हम इसे ऐड को बंद कर देते हैं और गेट लिंक पे क्लिक कर देते हैं और इसे भी बंद ही कर देते हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क जो है वो आ चुका है। तो गाइज इन चारों फाइल्स को जो है आपको डाउनलोड करने के लिए सेम मेथड है, स्टार्टिंग में जो है आपको स्किप एड्स करनी पड़ेगी और 5 सेकंड जो है वेट करना पड़ेगा, फिर जो है आपको फाइल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं जो इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ 2 MB की फाइल है और ये डाउनलोड हो भी गई। तो सेकंड जो है हमें स्क्रिप्ट हुक भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्क्रिप्ट हुक भी पे आप मतलब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको वो स्टेप फॉलो करते हैं जो कि हमने आपको पहले ही बताए थे कि स्किप ऐड करने के, फिर आपको जो है डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक और डाउनलोड मिल जाएगा, तो ये जो है आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। हो सकता है आपका जो है लेटेस्ट वर्जन ना हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लेटेस्ट वर्जन है इस वीडियो के हिसाब से। तो अगर आप फ्यूचर में डाउनलोड कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, इस वीडियो को देख के अगर आप फ्यूचर में भी डाउनलोड कर रहे हैं तो भी आप अपडेटेड वर्जन ही डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप जो है यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमें डाउनलोड करना है स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट, हमारा जो स्किप एड्स का मेथड है वो स्किप करने के बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे ये है लेटेस्ट वर्जन, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर से हम लोग जो है 1 MB की फाइल भी नहीं है जो हमें यहाँ पर क्लिक करनी है और ये हमारी जो है स्टार्ट डाउनलोड हो जाएगी। और गाइज लास्ट जो हमारी फाइल है वो है नेटिव UI, ये भी जो है हमें डाउनलोड कर लेना है और स्किप ऐड करेंगे। स्किप ऐड करने के बाद 5 सेकंड वेट के बाद जो है कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउन 1.9 आप लोग देख ही सकते हैं, 191, तो ये वाला जो है लेटेस्ट वर्जन है, तो हम लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये कुछ KB की फाइल है, तो ये डाउनलोड हो गई है। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब जो है यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हमारी सभी की सभी फाइल्स जो है डाउनलोडेड है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को जो है सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है
और यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट ईच आर्चीव टू दिस सेपरेट फोल्डर पे जो है क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं सभी फाइल जो है हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो गाइज अब हमें क्या करना है, अब हम इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और यह है हमारा GTF फाइल। तो गाइज आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से जो है आप इसे ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस GTF फाइल की डायरेक्टरी पर आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ से जो है हम लोग GTF फाइल की डायरेक्टरी में आ चुके हैं और अगर आपको पता है कि आपका GTF फाइल कहाँ है तो आप जो है डायरेक्टली भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये GTF फाइल की डायरेक्टरी हमारी आ चुकी है। तो अब जो है हम इसे विंडोज प्लस राइट एरो की कर देते हैं और हमारे जो दूसरा फोल्डर था गाइज कॉम्प्रेस्ड वाला, यानी कि हमारे जो डाउनलोड फाइल है, तो यहाँ से हम इसे विंडोज प्लस लेफ्ट एरो की कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारे डाउनलोडेड फोल्डर्स आ जाएंगे और राइट में जो है हमारी GTF फाइल की डायरेक्टरी आ जाएगी। तो गाइज अब जो है हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है वो है स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट। तो क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट हुक वी में जाना है, बिन में जाना है और ये वाली फाइल जो है गाइज इनको आपको क्या करना है, इनको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है GTF फाइल की डायरेक्टरी में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे ड्रैग कर दिया है और आपको मूव टू ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फाई करना है, इंपॉर्टेंट है गाइज। मूव टू रीड मी, मूव टू मॉड्स, मूव टू किसी और फोल्डर में नहीं गाइज, आपको मूव टू ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फाई करना है। ये मिस्टेक मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने की और मुझे कॉमेंट्स में काफ़ी सारे ऐसे कंप्लेंट्स आई थी तो मैंने जो है उनकी प्रॉब्लम सुधार दी थी। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से जो आपको मूव टू ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फाई करना है तो आपको जो कुछ इस तरीके का फोल्डर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखा है फिर भी मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है स्क्रिप्ट हुक विद डॉट नेट। तो इसमें क्या करना है, आपको इसे बंद कर देते हैं, इन सभी को जो है आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं इन सभी को कॉपी करना है और फिर से मूव टू कर देना है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फाइव। तो गाइस मैं जो है ऑलरेडी कर चुका हूँ इन सबको तो इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ, आपको जो है रिप्लेस कर देना है। तो गाइज अब बारी आती है एक न्यू फोल्डर बनाने की, हम जो है यहाँ पर जो है आपको स्क्रिप्ट फोल्डर बना लेना है। अगर आपके पास स्क्रिप्ट फोल्डर्स ऑलरेडी है, अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने जो है स्क्रिप्ट फोल्डर बना लिया है और आपको जो है स्पेलिंग एकदम परफेक्ट रखनी पड़ेगी स्क्रिप्ट की जो स्पेलिंग है। तो हम लोग इसको वापस साइड में कर देते हैं और गाइज अब चलते हैं रिलीज़ में। रिलीज़ जो है गाइज यही हमारा नेटिव यूआई है। तो आपको क्या करना है गाइज, ये जो दोनों फाइल है इनको आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है स्क्रिप्ट फोल्डर में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मूव टू स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है तो हम इन मूव टू स्क्रिप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मूव टू स्क्रिप्ट हो चुका है और अब जो है बारी आती है इन फाइल्स की जो कि है हमारा बेनीज ओरिजिनल मोटरवर्क। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सभी फाइल्स हमें मिल जाएगी बेनीज ओरिजिनल मोटरवर्क की। तो हम इसे यहाँ से आपको जो है सबकी सब फाइल जो है सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट फोल्डर में। गाइस गेम फोल्डर में नहीं करनी है, मॉड्स में भी नहीं करनी है, आपको जो है स्क्रिप्ट फोल्डर में करनी है ये पेस्ट। तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं हमारे जो स्क्रिप्ट फोल्डर है उसमें हमारी सबकी सब फाइल जो है आ चुकी है जो कि हमने अभी अभी डाली है। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा होता है। तो गाइज अब सीधा चलते हैं GTA के अंदर और अब जो है मैं आपको एक कार मॉडिफाई करके दिखाऊंगा। ओके तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब जो है हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं और गाइज जैसा ही हम लोग गेम के अंदर आएंगे और गेम को अगर हम लोग पॉज करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें जो है एक और सिंबल देखने को मिलता है जो कि है बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क्स। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं तो हम लोग इसे जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है और कोई भी एक गाड़ी पकड़ लेते हैं जो कि हम लोग मॉडिफाई कर सकें। तो हम जो है यहाँ से हम लोग मेन्यू से ही स्पॉन कर लेते हैं कोई भी एक अच्छी सी कार। तो हम लोग कोई भी एक सुपर कार स्पॉन कर लेते हैं, रैंडम कार सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ताकि हम लोग जा सकें। तो गाइस पता नहीं अब कौन सी कार जो हमने सिलेक्ट कर ली है तो इसे जो हम लोग लेके चलते हैं वहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे जो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर जो है गाइस लॉस सैंटोस कस्टम से भी काफ़ी तगड़ी जो है मॉडिफिकेशन होती है, कुछ इस तरीके का है। बाहर से आप लोग देख ही सकते हैं बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क और यहाँ पर शटर खुल चुका है हमारे लिए तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी अंदर घुसा देते हैं। ओके तो कुछ एनिमेशन प्ले होगा कुछ इस तरीके का, आप लोग देख ही सकते हैं हमारी गाड़ी का नाम राइट साइड में आप लोग देख ही सकते हैं और यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा है सही सा। ओके रिपेयर करने के लिए 20 रुपीज़ और बैकग्राउंड में शायद कॉपीराइटेड म्यूज़िक बज रहा है भाई, लगता है वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा।
ओके, तो हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले इंजन देख सकते हैं गाइस। इंजन जो है हम लोग सबसे फोर्थ लेवल जो है अपग्रेड कर सकते हैं और बैक कर सकते हैं। प्लेट जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइसेंस प्लेट मतलब ये जो हमारा नंबर प्लेट होता है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और मेन्यू से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बम्पर्स जो हम लोग सबसे स्कर्ट्स आप लोग देख ही सकते हैं, ये वाले हमने लगा दिया है। ओके तो गाइस ये जो है हम लोग व्हील्स बुलेट प्रूफ टायर कर सकते हैं और भी काफी ऑप्शन है। आर्मर भी जो हम लोग $10,000 वाला जो हम लोग लगा सकते हैं 100%। ब्रेक्स और मतलब एग्जॉस्ट उसमें आपको सब ऑप्शन मिल जाता है गाइस। आप सब जो है मतलब सब महंगी महंगी चीज़ें लगा सकते हो इसके अंदर, तो लिवरीज भी है। ओके आप जो है लिवरीज भी चेंज। ओके मेरे को ये वाली प्यारी लगी, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके का है। तो मैंने जो है अभी आपको हाफ चीज़ें ही बताई, इसमें तो और भी चीज़ें हैं और अलग अलग कार्स के साथ आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो बाहर निकलने का भी कुछ इस तरीके का एनिमेशन है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। अब तक मैंने कंट्रोल नहीं किया है, अब मैं कंट्रोल करूँगा। ओके अब मेरे हाथ में गाड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस काफ़ी प्यारा मॉडिफाई हुआ है। और आप जो है कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हैं, जो है यहाँ पर आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आ सकूं। और गाइस अगर आपका जो है गेम कभी भी किसी भी कारण से जो है क्रैश हो जाए विदाउट एनी एरर, विद एरर या कुछ भी, तो गाइस आप जो है मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जो ऑलरेडी सभी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में बना रखा है, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आ सकूँ। गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।